नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। बर्नौली कॉन्सेप्ट पे हम ऑलरेडी 7-8 जो एक्टिविटीज है वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल लाइफ का एप्लीकेशन होता है बर्नौली का, जब तूफान चल रहा होता है और जो कच्चे घर होते हैं जिनके ऊपर टीन की चादरें पड़ी होती है, प्लास्टिक की छत पड़ी होती है ढकने के लिए, वो जब तूफान चल रहा होता है तो उड़ जाते हैं। तो वहां पर उड़ने में भी उनका बर्नौली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? बर्नौली कहता है कि जब स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर घट जाएगा, यानी कि जब इसके ऊपर, मान लेते हैं मेरे पास पेपर कप्स हैं, हम इसके साथ इफेक्ट देखेंगे कि कैसे वो उड़ती हैं आंधियों में। लेकिन क्या होता है कि जब यहां पर स्पीड बढ़ जाएगी हवा की, यहां पे इस जगह पे, तो हवा की स्पीड बढ़ जाने से यहां का प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर के कम हो जाने से नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा और वो छत को उड़ा देता है। तो हम पेपर कप के थ्रू, ये नॉर्मल पेपर कप है और हम इसके थ्रू करके भी देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने पेपर कप को इसके सामने नहीं रखा है। सामने अगर मैं इसको रखता तो वो एकदम से सारे के सारे एक साथ सामने चले जाते। पेपर कप की हाइट अगर यहां पर है तो ये उसके ऊपर हवा को ब्लो कर रहा है। पेपर कप अगर यहां है तो उसके ऊपर की हवा को ये हटा रहा है, और उसकी प्रेशर कम होने की वजह से, ऊपर प्रेशर कम होने की वजह से पेपर को ऊपर पहले तो उछलते हैं और फिर सामने चले जाते हैं। तो ये ऊपर वाला मोशन बर्नौली की वजह से क्रिएट हो रहा है।